50 लीटर बना रहे हैं, आपको 100 लीटर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसका आधा बना रहा हूँ। बहुत शानदार क्वालिटी बना रहे हैं हम लोग। ये मात्र आपका 13 रुपया लीटर में ये बनकर तैयार होने वाला है। दूसरा आइटम हमने जो मिलाया है, आपको 1 किलो लेना है, ठीक है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लाजवाब। देखिए ये पूरा पानी है, पानी में थोड़ा सा डालना आपको बस। बहुत गंदा कपड़ा मैं आपके लिए धो के बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं धोए। साथियों नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में। आज मैं आपको, देख सकते हैं आप, पानी से, प्रॉपर पानी में कुछ केमिकल मिला के बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में नए नए बिजनेस आइडिया बताता हूँ, और 200 बिजनेस आइडिया की कड़ी में मैं आपको प्रैक्टिकल, जी हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल और जेन्युइन नए नए बिजनेस आइडिया बताता हूँ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही काम की जानकारी के साथ वीडियो मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको टीपॉल, जी हाँ आपने अब तक डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया होगा, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ किया होगा, आज मैं आपको बहुत ही काम की चीज़, वो भी बिल्कुल कम कॉस्ट वाला सामान मैं बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। और वो मैरिज होम, फार्म हाउस, होटल, जो लॉन्ड्री वाले होते हैं, यानी कि सभी जगह वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, और हर घर में कपड़े धुलते हैं, सभी जगह यूज़ होता है, और मात्र 13 रुपये लीटर, जी हाँ 13 रुपये लीटर में वो बनकर तैयार होगा। कैसे कैसे बनकर तैयार होगा, किन किन चीज़ों की जान उसमें आवश्यकता होने वाली है, वो मैं आपको सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीपॉल बनाने के लिए मात्र पानी की आवश्यकता होती है। मैं आपको 100 लीटर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। 100 लीटर के टीपॉल बनाने के लिए आपको 6 किलो स्लरी लेनी है, और उसमें 2.5 किलो कास्टिक लेना है, और 2 किलो SLES लेना है, थोड़ा फॉर्मिंग होनी चाहिए, और थोड़ा सिट्रिक एसिड लेना है अगर आप उसको, आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको 50 किलो बना के दिखाऊंगा। मैं फार्मूला आपको 100 किलो का बता रहा हूँ, आप उसमें आधा कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें मेजरमेंट करके बता रहा हूँ, और आप सोच सकते हैं कि मैं जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा आपके लिए, कभी कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमने 50 लीटर बना रहे हैं, आपको 100 लीटर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसका आधा बना रहा हूँ, आप इसी के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 50 किलो पानी में, यानी कि 50 किलो हमने टीपॉल बनाना है, तो 45 किलो पानी लिया है। आप इधर से दिखा, ये देखिए 45 किलो पानी हो चुका है। अब मिलाएंगे इसमें कास्टिक, आइए लेना पानी इसमें करवा, ये इसमें आएगा नहीं ना, 3 किलो एसिड सलरी। और ये 50 किलो टीपॉल बनाने के लिए देखिए, हमने 45 किलो पानी लिया है, जो बड़े ड्रम में, क्योंकि इसमें आ नहीं सकता, इसलिए हमने इसको इसमें कर दिया है, बड़े ड्रम में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1.25 किलो कास्टिक लेना है। मैंने 50 किलो का बता रहा हूँ, 100 किलो का फॉर्मूला ये है कि इसको डबल कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या है, 1.25 किलो कास्टिक लेना है। सबसे पहले कास्टिक कैसा होता है, पहले ये दिखा दीजिए, ये दानेदार होता है। कई कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कास्टिक कैसा होता है, क्या होता है, तो मैं सबसे पहले ये कास्टिक दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल चिप्स टाइप में होता है, इसमें आपको, ये बहुत ख़तरनाक है, बड़े ध्यान से आपको काम करना है। इसको पहले तोल लेते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको तोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले बाल्टी में ले लेते हैं, ठीक है, 0 0 हो गया, ठीक है, 0, ये बिल्कुल 0। अब हमें इसमें 1.25 किलो कास्टिक लेना है, बिल्कुल 0 है, 1.25 किलो कास्टिक लेना है। हम 50 किलो टीपॉल बना रहे हैं, 1.25 किलो, बहुत शानदार क्वालिटी बना रहे हैं हम लोग, और ये आपके कपड़ों को बेहतरीन चमक और साफ करेगी।
हो गया, दिखा दे पीछे दिखा, सही मेरे मेजरमेंट दिखा। बारह सौ सत्तर ग्राम, ठीक है हटा। अब इसमें मिला देना है इसी का पानी, ठीक है हट जा। यहाँ देखा, अब जो सवा किलो पानी लिया है उसको हम अच्छे से पानी के साथ मिला लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे इसको, कास्टिक को। और कास्टिक मिलाने के बाद आपको ये लगभग दो से तीन घंटे छोड़ देना है ये ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये गर्म है। इसी के पानी में मिला रहे हम, ये टिप ऑयल बहुत ज़्यादा चलता है फार्म हाउस, मैरिज होम, आपके हर घर में जहाँ कपड़े धुलते हैं, जहाँ डिटर्जेंट पाउडर आप यूज कर रहे थे 60-70 रुपए किलो, ये मात्र आपका 13 रुपया लीटर में ये बनकर तैयार होने वाला है। ये दिखा दीजिए, इसमें ग्लव्स का आपको इस्तेमाल करना है, ये बहुत गर्म है, देखिए इसमें धुआँ उठ रहा है, ये बहुत गर्म है और ये आपका नुकसान भी कर सकता है हाथों पर। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि टिप ऑयल बनाने के लिए मैं अभी 50 किलो बना के बता रहा हूँ, 50 किलो में आपको सवा किलो कास्टिक लेना है, 3 किलो इसमें लेना है एसिड सिलरी, और 1 किलो लेना है आपको SLES। थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको मात्र 200 ग्राम सेट्रिक एसिड लेना है, बाकी इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा नमक का यूज़ करना है, ठीक है। अभी इसको मिलाते हैं, दिखाओ, ये बहुत गर्म हो गया। अब इसको लगभग दो से तीन घंटे हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत शानदार क्वालिटी बनने वाली है, कपड़े को बहुत शानदार ये चमक लाएगा, इसमें बहुत अच्छे से साफ़ होंगे कपड़े। देखिए पानी था, पानी में बस कास्टिक मिलाया अभी हमने, सवा किलो कास्टिक, अभी 3 किलो मिलाएंगे अपना एसिड सिलरी, वो भी दो से तीन घंटे बाद। इसको ठंडा होने देंगे, फिर आपको SLES मिलाना है, फिर आपको मिलाना है सेट्रिक एसिड अगर आपको और ट्रांसपेरेंट करना है तो। साथियों मैं आपको हमेशा बिल्कुल छोटे से छोटे पैसे में पूंजी लाकर आप काम कर सकते हैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया बताता हूं, और बिना मशीनों के बिल्कुल कोई लागत नहीं लगानी आपको। घर में पानी है, केमिकल यूज़ करना है, बस क्लीनिंग आइटम करने, बहुत शानदार इसमें लगभग 200% तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। हर तरीके के बिजनेस आइडिया है मेरे पास, 200 बिजनेस आइडिया आपको बिना मशीनों के मैं बिल्कुल बना के बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ, ताकि आपको, वैसे मेरे पास मशीनें हैं मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे बिना मशीनों के दिखाना। काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा करने का है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग पूरे भारत में, ताकि हमारा उद्देश्य जल्दी पूरा हो सके आपके सहयोग से, और हम सबके सहयोग से ये पूरा होगा। हमें आपको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आप अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोज़गार दे सकें। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जो PMEGP योजना है, इसके माध्यम से आप 35% सब्सिडी के साथ 50 लाख तक का उत्पादन इकाई, इस बिजनेस पर भी आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का लोन है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। साथियों जो पानी था 45 लीटर, उसमें हमने सवा किलो कास्टिक मिलाया था, अभी हमें 3 घंटे हो गए, अब 3 घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 3 किलो मिलाएंगे एसिड सिलरी, यानी कि 3 किलो, ठीक है। पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, ये आपको 90% यानी कि 90% की सिलरी लेनी है, और अभी इसमें मेजरमेंट दिखा दीजिए करके, 3 किलो 190, यानी कि वो बाकी का तो कैन का वजन है,
ये 3 किलो आपको धीरे धीरे मिलानी है सिलरी। बहुत शानदार क्वालिटी का टीपॉल बना रहे हैं हम, इसको धीरे धीरे मिलाते जाइए। दिखा दीजिए आगे। दूसरा आइटम हमने जो मिलाया है वो एसिड सिलरी मिलाया है। अब ये देखिए, धीरे धीरे आपको मिलाना है 3 किलो एसिड सिलरी। 50 किलो का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका डबल करेंगे तो 100 किलो हो जाएगा। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल वाइट कलर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये ठंडा होगा, टाइम होगा, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार क्वालिटी बन रही है। धीरे धीरे देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। थिकनेस भी हो रहा है, देखिए गाढ़ा भी हो रहा है। सबसे पहले 45 लीटर पानी लिया था किलो, उसमें सवा किलो हमने कास्टिंग मिलाया था और 3 किलो एसिड स्लरी। अभी तक ये प्रोसेस हुई है। कास्टिंग मिलाने के बाद लगभग 3 घंटे इसको ठंडा छोड़ दिया था हमने। अब इसमें मिलाना हमें SLES, फॉर्मिंग का काम करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी बहुत डिमांड रहती है साथियों, बहुत कम कीमत में ये बनकर तैयार हो जाता है और इसकी क्लीनिंग बहुत शानदार आएगी। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग पाउडर यूज़ करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये उनसे बेटर क्वालिटी आपको बनने जा रही है और इनसे आप बहुत शानदार रिजल्ट इसका आएगा। अब देखिए, इसका कलर चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया ये। अभी इसमें मिलाना हमको SLES। तो हमें बस 1 किलो SLES मिलाना है इसमें 50 किलो में। पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, इधर दिखाओ, 0। कितना है इसमें? 8 किलो 200। 1 किलो लेना है, यहाँ देखो, 0 तोल ले, 0 है ना, 0 ज़्यादा हो गया। कितना? 1 किलो 240। बाकी इसका भी वज़न होगा, इसमें 100, 150, 200 जो भी होगा, आपको 1 किलो लेना है, ठीक है। अब इसको इसमें मिला देते हैं। चार चीज़ें अभी तक मिल चुकी हैं, पानी, कास्टिक और एसिड सिलरी, और अब मिलाया है लास्ट में SLES। ये फॉर्मिंग का काम करता है। अब ये चार चीज़ें मिल गई हैं और देखिए, ट्रांसपेरेंट हो गया और ये गाढ़ा भी हो गया। ये बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो इसको आप इसमें नमक मिला सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट करना है तो आप जो है सिट्रिक एसिड मिला सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करना है तो सिट्रिक एसिड इसमें मिला सकते हैं। सिट्रिक एसिड कैसा आता है एक बार दिखा दीजिए, बिल्कुल दानेदार आता है ये। ये बिल्कुल दानेदार है, इससे देखिए और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये।
अब इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। आपका टी पॉल बनकर तैयार है, देखा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लाजवाब, देखिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लाजवाब टी पॉल बनकर तैयार है। अभी इसमें कम से कम 1 घंटा 2 घंटा इसको आप छोड़ दीजिए और ये और गाढ़ा हो जाएगा, जिससे इसकी क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा चलता है। अब एक डेमो करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए कि जो क्वालिटी हमारी बनी है, जो क्वालिटी बनी है उसमें कितनी सफाई है। गंदे से गंदा कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा लूँगा आपको, बस मैं थोड़ा सा लूँगा। इसी से आप जो है, देखिए इसमें ये पानी है, ये पूरा पानी है, पानी में थोड़ा सा डालना आपको, बस झाग बता देता हूँ पहले मैं आपके लिए। देखिए इतना ज़बरदस्त फोमिंग आ रहा है, इसमें देखिए ये इतना सारा गंदा, बहुत गंदा कपड़ा मैं आपके लिए धो के बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं धोए। देखिए इधर दिखा दीजिए, इतना गंदा कपड़ा मैं आपको धो के दिखा रहा हूँ, बताओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। लिक्विड डिटर्जेंट और पाउडर, उनसे कहीं ज़्यादा सस्ता और अच्छा ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है। इससे क्या होगा कि आप छोड़ देंगे उनको, जो पाउडर और जो लिक्विड है उनको आप छोड़ देंगे। देखिए पूरा मैल निकल रहा है इसमें से, ये बिल्कुल वाइट निकाल देगा इसको। हाथों को कोई नुकसान नहीं है और ना ही इसमें कोई स्किन प्रॉब्लम होगी आपको, बहुत शानदार। थोड़ा सा फिर भी गला देना चाहिए कपड़े को और अच्छी सफाई चाहिए। तो फॉर्मिंग दिखा दो, जितना आप रगड़ोगे उतनी ही फॉर्मिंग बढ़ती जाएगी। देखिए कितने झाग हैं, ये गांव शहर देहात कहीं भी इसका बिजनेस शुरू हो सकता है। कैसा भी कपड़ा हो, बहुत शानदार क्लीनिंग होने जा रही है। देख रहे हो इनका भी कलर चेंज हो गया। इसमें एक ही कपड़ा नहीं है, आप 10 कपड़े धो सकते हैं। देखिए ऐसा ही था क्या, इतना सारा, फिर भी अभी आपको थोड़ा सा और इसको गला देना है और इसमें क्लीनिंग चाहिए। इधर देखा, ये बहुत शानदार क्वालिटी बनी है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके सैंपल छोटे छोटे 200, 300 या 500 ऐसे सैंपल हम तैयार करवा रहे हैं। ये हमने नया फार्मूला तैयार किया है टीपॉल का, लगभग 2 से 4 हज़ार घरों में हमें ये बांटने हैं और 250 ml बांटने हैं फ्री में, जिससे हमारे इतने सारे ऑर्डर आएंगे। हम आपको उसकी भी वीडियो बना के बताएंगे कैसे कैसे हम लोग मार्केट करते हैं, कैसे हम लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है, उसका भी बताएंगे। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 13 रुपये लीटर है और इसमें आप बहुत सारा मुनाफा, कम से कम 50 रुपये लीटर में आप इसको दे सकते हैं कम से कम, ठीक है। मैं आपको अलग अलग बिजनेस आइडिया में मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।